निकलते हैं स्टेशन से बाहर। आगरा स्टेशन है, बहुत दिनों बाद यहाँ आया हूँ। मोस्टली बाई कार ही मेरा आना होता था पहले अपने होम टाउन से, लेकिन इस बार बाई ट्रेन। और क्यों ट्रेन में है ये मैंने आपको ट्रेन के अंदर ही बता दिया था। हम सफ़र एक्सप्रेस के 2 साल पूरे होने रहे थे कल, और मुझे देखना था कि ट्रेन अब कैसी है, तो फाइनली हम लोग चलते हैं क्योंकि अब मुझे जाना है हॉस्टल और उस जगह के जहाँ मोस्टली। नहीं भैया थैंक यू, ऐसा ही होता है यार, हर जगह आपको यही लोग मिलेंगे, आपसे पूछेंगे ऑटो। और आगरा के बारे में आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं, कि अगर आप यहाँ बोलेंगे कि मुझे लाल किला जाना है तो आपको 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़ से कोई कम नहीं बोलने वाला। वो देखेगा आपने क्या कपड़े पहने हुए हैं और कैसे आप मतलब क्या यहाँ के लग रहे हैं, बाहर के लग रहे हैं, 200 रुपये बोलेगा। और वहीं अगर आपने बोल दिया ना बिजली घर, तो बोलेगा बैठो 10 रुपये सवारी है। तो अगर आप लो बजट ट्रैवलिंग पे हैं तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिए। आपको अगर टूरिस्ट एरिया में जाना है या उस एरिया में जाना है जहाँ मोस्टली फॉरनर क्राउड रहता है या जो टूरिस्ट के लिए एरिया बना हुआ है ताजमहल के आसपास, तो वहाँ आपको जा कर के सिर्फ इतना करना है, रेलवे स्टेशन से बोलना है कि मुझे बिजली घर जाना है, और वहाँ जा कर के आप आराम से 10 से 5 रुपये में ही एक और ऑटो आपको चेंज करना होगा। लेकिन पहला ऑटो जो आपको लेना है वो लेना है बिजली घर का। भैया कितना बिजली घर है? कितना है बिजली घर? कितनी दूर, कितने रुपए ले रहे हो? 15 रुपए। 15 रुपए सवारी, हल्की हो या भारी? हल्की हो भारी। चलो भाई चलो। ई रिक्शा में लग रहा था बहुत ज़्यादा वक्त और कई सारे लोगों को उसको बैठा रहा, वो लोग चले गए, तो मैंने भी फाइनली चेंज कर लिया, तो अभी मैं जा रहा हूँ ऑटो में। कितना वक्त लगता है भैया लगभग पहुँचने का वहाँ? 15 मिनट में हम लोग बिजली घर पहुँच जाएंगे, वहाँ से फिर आगे जाना है, तो लेट्स सी। आगरा, वो शहर जहाँ मौजूद है मोहब्बत की सबसे खूबसूरत निशानी। आगरा एज ए ट्रेवलर कैसा है ये मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर, और ये भी कि आप कहाँ रुक सकते हैं, कहाँ पे रहना सबसे अच्छा होता है, और कहाँ रह करके आप पूरा एरिया एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो वही सारी की सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को देखिएगा शुरू से लेकर आखिर तक, आपको पता चलेंगी आगरा के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो बिजली घर पे से मैंने लिया है ये ई रिक्शा और यहाँ से मैं जा रहा हूँ पुरानी मंडी। पुरानी मंडी वही एरिया है कि जहाँ मोस्टली टूरिस्ट आकर के रुकते हैं। ये ताजमहल के पास वाला एरिया है और इस जगह का लैंडमार्क मैं आपको बता दूँ, इस जगह का लैंडमार्क ऐसा है कि आप कोई भूल नहीं पाएंगे। ये देखिए, तो लाल किले वाली जगह को ही कहते हैं बिजली घर। अगर आप लाल किला कहेंगे तो आपको ऑब्वियसली 100 रुपये से ज़्यादा देना पड़ेगा अगर आप नए हैं, और अगर आप कह देंगे बिजली घर तो ओनली आपको 10 रुपीज़ देना है या 15 रुपीज़, जैसे आपको पड़ जाए, और आप इजीली यहाँ आ जाएंगे। यहाँ से लगते हैं पुरानी मंडी तक के सिर्फ 10 रुपये। वहाँ जा कर के बहुत सारे होटल और हॉस्टल्स आपको मिल जाते हैं, तो मैं भी अभी एक हॉस्टल में जा रहा हूँ। चलिए चल के देखते हैं कितना लंबा है सफ़र। आगरा में पहुंचा था आगरा कैंट में, और आगरा कैंट से मैं आया बिजली घर यानी कि लाल किले तक, जिसके लगे महज 15 रुपये, और यहां से मैंने चेंज किया एक और रिक्शा जिसमें मेरे लगे 10 रुपये, जिसने मुझे उतारा पुरानी मंडी। पुरानी मंडी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, यही सबसे अच्छी लोकेशन होती है दोस्तों अगर आप आगरा घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि ये पूरा टूरिस्ट एरिया है, यहाँ सारी की सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं, खाने से लेकर पीने तक सभी तरीके का फूड, सभी अच्छे रेस्टोरेंट और सभी अच्छे होटल्स इसी एरिया के अंदर हैं। ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, और अगर आपको अपने होटल तक पहुँचना है तो आप अपने मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सबसे अच्छा तरीका है अपने होटल की एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुँचने का। बिजली घर से पुरानी मंडी तक पहुँचने के रास्ते में आपको दिखेगा आगरा का वो नज़ारा के जो है पूरा ओल्ड आगरा, ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, और अगर आपको अपने होटल तक पहुँचना है तो आप अपने मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सबसे अच्छा तरीका है अपने होटल की एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुँचने का। अभी मैं ब्रेकफास्ट में ले रहा हूँ बड़ा पाव, मुंबई की फेमस डिश है, आगरा में मिल गई तो इससे अच्छा क्या होगा। तो आज के दिन की शुरुआत होगी इसी के साथ, और मुझे लग रहा है यार आज का दिन काफ़ी अच्छा होने वाला है, इसीलिए आज थोड़ा देसी टाइप का ब्रेकफास्ट मैं ले रहा हूँ क्योंकि एनर्जी बनी रहे, क्योंकि इतनी गर्मी में यार बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आप हेल्दी ब्रेकफास्ट लीजिए। हालाँकि बहुत अच्छा कैफ़े है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये काउंटर है यहाँ, वहाँ नीचे से रास्ता आता है, यहाँ ऊपर आ जाइए। शाम के समय बहुत अच्छा नज़ारा होता है, पूरी रूफ़ यहाँ से दिखती है, और ताजमहल वहाँ पीछे कहीं है उस जगह, तो शायद आप देख पा रहे होंगे।
अच्छा व्यू मिल जाता है यहाँ से ताजमहल का, यही सबसे स्पेशलिटी वाली बात है यहाँ की। शाम के समय यहाँ करके बैठ जाइए, आपको उससे अच्छा कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि दिन के समय तो यार बाहर निकलना इतना ज़्यादा ख़राब है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। अगर आप आगरा प्लान करते हैं तो हमेशा सीज़न में कीजिए, क्योंकि आपको पूरा दिन एक्सप्लोर कर पाएंगे। गर्मियों में बाहर नहीं निकल पाएंगे आप, तो आपको दो टाइम चुनने होंगे, एक मॉर्निंग का एक इवनिंग का। तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा वक्त चुनते हैं। हालांकि मैंने आज इवनिंग का वक्त चुना है यहाँ को एक्सप्लोर करने के लिए। अभी हम लोग जा रहे हैं ताज नेचर वॉक, एक जगह है, कैसी है कैसी नहीं है उसके बारे में नहीं पता। तो अभी मैं हूँ और हमारे भाई समर हैं, ये MP से हैं, और दिस ब्यूटीफुल गर्ल इज फ्रॉम कोरिया एंड हर नेम इज Youngshi इन हिंदी आयशा। So Aisha is much familiar for me because lots of Indians got this name. So we'll call her Aisha. Is it okay with you? Okay. And Neil and Daisy are going there. So let's go. तो अभी मैं रास्ते में हूँ ताजमहल के, लेकिन मैं ताजमहल नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ ताज नेचर वॉक। एंड शी इज Daisy फ्रॉम नीदरलैंड्स एंड देयर द अदर फ्रेंड्स एंड वी आर गोइंग देयर। तो अभी हम लोग आ चुके हैं नेचर वॉक में, ये एक पार्क है बहुत ही खूबसूरत सा। क्या ज्यादा ड्रामेटिक हो गया क्या? एवरीवन इज लाफिंग। सो राइट नाउ वी आर इन अ नेचर वॉक पार्क एंड आई थिंक दैट वी आर द ओनली ह्यूमन बीइंग्स इनसाइड दिस पार्क। कांट सी एनीबॉडी, जस्ट फाइव ऑफ अस, ओनली फाइव। सो लेट्स सी, एंड अ स्क्विरल, एंड देयर इज स्क्विरल, या जी। मुझे लग रहा है कि हम लोग अकेले ही हैं यहाँ, और कोई दिख नहीं रहा इस पूरी जगह पर। पसीने छुड़ा देने वाली इस खूबसूरत वॉक के बाद फाइनली ये नज़ारा देखने को मिला है ताजमहल का, पेड़ों के बीच में से। वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा और रिलैक्सिंग है, लेकिन यहाँ तक आने में बढ़िया करके पसीने छूट चुके हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है यार कि क्या बताऊँ, और बस इस बोतल का सहारा है। और हमारे भाई देखो पीछे मुस्कुरा के हंस रहे हैं, बोतल दिखा रहे हैं। तो बस यही सीन है, बाकी गर्मी तो यार एक्सेसी है। तो ऐसा कुछ नज़ारा है ताज नेचर वॉक का, और अभी हम लोग आए हैं यहाँ सनसेट देखने। अभी हम लोगों के अलावा कोई और दूसरा इंसान नहीं दिख रहा है। हाँ, एक हिरन दिखा था लेकिन वो भाग गया। तो अभी सिर्फ हम ही 5 जीवित लोग, मनुष्य आप कह सकते हैं, यहाँ हैं। और नज़ारा देखो यार, वहाँ देखो ताजमहल का कैसा नज़ारा है, बहुत ज़बरदस्त नज़ारा है। सूरज ढल गया था और कुछ अच्छी तस्वीरें खींचने के बाद में हम लोग चल दिए हॉस्टल की ओर। ये अगर मेरा दूसरा दिन है, कल जब मैं यहाँ आया था तो मैंने स्टे किया हॉस्टल में, लेकिन वहाँ क्राउड नहीं था, इसीलिए मैं यहाँ आ गया गो स्टॉप्स में। तो एक बार चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा एटमॉस्फेयर है, कैसा माहौल है। राइट नाउ वी आर एट द रूफटॉप कैफे ऑफ गो स्टॉप्स वेयर आई एम स्टेइंग, एंड हियर आर माय सम फ्रेंड्स फ्रॉम माय UK। सी देयर हाइडिंग देयर फेसेस। ही इज फ्रॉम मुंबई एंड शी इज फ्रॉम स्कॉटलैंड, and she knows hindi. No, as my friend from Mumbai told me she knows Hindi. Say something Nayar, please. No. बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा दूसरा ही दिन है कि जो मैं यहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पूरा दिन आज मेरा कहीं निकलने की हिम्मत नहीं, गर्मी इतनी ज़्यादा थी, लेकिन अभी कुछ ठीक लग रहा है। अच्छा एटमॉस्फेयर है, अच्छा माहौल है, हवा भी थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है। अभी मैं बना हुआ हूँ रेफरी इस गेम का। और ये बहुत ही हैरतअंगेज मुकाबला चल रहा है रंजीत और ये विल के बीच में, और देखिए एक और गोल, और इसी शॉट के साथ जीतते हुए रंजीत और विलियम टेबल को तोड़ते हुए। बहुत ही मज़ेदार मुकाबला एक बार फिर से मैच शुरू हो चुका है, और एक बार फिर एक और गोल, और इसी गोल के साथ हार चुके हैं मेरे दोस्त विलियम। दोस्तों ये दूसरा दिन था और मैं पहुंच चुका था गो स्टॉप्स में, जो कि बहुत अच्छा हॉस्टल है यहाँ आगरा में। गो स्टॉप्स और हॉस्टल दो बड़ी चेन है, जिसमें कि मैंने एक एक करके दोनों को ट्राई किया। दोस्तों अगर आप एज ए सोलो ट्रैवलर सफ़र कर रहे हैं और आप अकेले हैं, तो सबसे अच्छी जगह जो हो सकती है रुकने के लिए वो हो सकती है एक हॉस्टल, और या फिर आप कर सकते हैं काउच सर्फिंग। लेकिन इस बार मैंने चुना हॉस्टल को, और यकीनन मेरा डिसीजन बहुत अच्छा था। और ऐसा इसलिए था दोस्तों क्योंकि यहाँ मुझे मिले बहुत सारे अच्छे दोस्त, और
जो वक्त था वो ऐसे बीता कि पता नहीं चला, क्योंकि दिन के समय आगरा के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। पूरा दिन मैंने हॉस्टल में बिताया, पूरे दिन करने के लिए यहाँ बहुत कुछ था, बहुत सारे गेम्स, बहुत सारे स्पोर्ट्स, और यहाँ से शुरू होने वाला था एक ऐसा सफ़र जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। इसीलिए ये आगरा ट्रिप बहुत ही अच्छी और प्यारी रही, और यहाँ मुझे मिले एक नए दोस्त और हम लोग जाने वाले थे कहाँ, ये आपको पता चलेगा अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है ये मेरे और आपके जैसे किसी और घुमक्कड़ के काम आ जाए।